ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी शेयर किया जा रहा है। इसे शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को डराकर उसे अपने झांसे में फंसा रहा है। कैप्शन में लड़के को लव जिहादी बताया है। ट्विटर यूजर काजल हिंदुस्तानी ने ये वीडियो इसी दावे के साथ ट्वीट किया। इस ट्वीट को सुदर्शन न्यूज के चैनल हेड मुकेश कुमार ने को ट्वीट किया है। तो क्या वाकई में वीडियो में दिख रहा ये लड़का मुस्लिम है जो कि हिंदू लड़कियों को फंसा रहा है? वीडियो के बारे में तफ्तीश करते हुए हमने ट्विटर पर सर्च किया और हमें नेटवर्क 18 के जर्नलिस्ट विकास सिंह चौहान का ये ट्वीट मिला। 26 जुलाई 2022 के इस ट्वीट के मुताबिक इंदौर के MIG थाना क्षेत्र में पीयूष उर्फ शानू नाम के लड़के ने दिन दहाड़े कैफे के बाहर युवती को चाकू से धमकाया था। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज 18 ने 27 जुलाई 2022 को इस घटना के बारे में आर्टिकल पब्लिश किया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना इंदौर के MIG थाना क्षेत्र में हुई थी। एक सरफिरा युवक चाकू की धमकी देकर युवती से शादी करना चाहता था। इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने खुद ही संज्ञान लेकर इसके खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि इस लड़के का नाम पीयूष उर्फ शानू है। पुलिस ने चाकू बरामद कर लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। इस आर्टिकल में गिरफ्तार किए जाने के बाद की आरोपी की तस्वीर भी है। यहाँ साफ हो जाता है कि वायरल वीडियो में दिख रहा लड़का यही है। कुल मिलाकर लड़की को चाकू की नोक पर शादी करने के लिए धमकी देने वाले लड़के का वीडियो झूठे सांप्रदायिक एंगल के साथ शेयर किया गया।